इलायची जी भी ना रही, पैसे तो हर जगह पहुंच जाती थी कूद के, संकट मोचन बन के जाती थी, आज ना रही। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? पिंकी अंकल जल्दी आओ। अरे 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 ये कौन है? प्रभा जी। अरे आप पिंटू जी जिंदा है आप? जिंदा है लेकिन अब रहेंगे नहीं। ये क्या है? ये बॉम्ब है। तीन सेकंड बचे बस। अच्छा रुको, काउंट करना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते। एक दो तीन। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। अरे अच्छा मम्मी बच गई, पानी पड़ा। इलायची ये मतलब बच गई। हाँ बच गई, चुप्पी बच गई, मम्मी पड़ा। पिंकी को देखो ना, पिंटू भाभी की जान बच गई यार, अलार्म नहीं बंद हुआ इनका। हम बच गए आप। अगर जब बम फूट जाता ना तो हमारे चितड़े चितड़े उड़ जाते, हम चार कंधों पे ले जाने लायक भी ना रहते। बस चप्पलों से पहचान होती हमारी। थैंक यू अंकल, अब देखा आपने, मैं ना इनकी जान बचाने के लिए आ रही थी और अब मुझे इनका कातिल समझ के मुझे अरेस्ट करना चाह रहे थे। व्हाट इज दिस यार? ना वो क्या है ना, पिंकी जी को थोड़ी पता था कि यहाँ पे पिंटू जी जो है वो पूरा एकदम फटने वाली है, बिखरने वाली है, चिथड़े चिथड़े होने वाले, और तुम हमेशा की तरह यहाँ के भी सारा मामला खुद अकेले सब सलटा लोगी। मतलब अब ऐसा है कि यहाँ कोई कांड वांड तो हुआ ना है, तो पिंकी जी मतलब अब क्या करे, यहाँ पे मलाई कोफ्ता बनाए, बचपन से दिल्ली में रह रही है। मैं ना फटाफट ना जीजा जी को फोन करके इत्तला कर देती हूँ। हेलो जीजा जी, गुड न्यूज, पिंटू भाभी हमें मिल गई है, एवरीथिंग ऑल क्लियर, ठीक है चलो। अच्छा ठीक है, ओके। सन्ना जी एक बात कहना चाह रहा था मैं तुमसे, अब आपने मुझे बहुत तापा लिया, आप करीब भी आ जाओ मेरे। अरे ये तो संजना की आवाज लग रही है, क्या हुआ चटंकी भैया? अरे हो रहा क्या है, संजना ने पहली बार अपने पति की शक्ल देखी होगी और ऐसी बॉडी शक्ल देखेगी तो यही होगा। अब मेरे भाई की शक्ल के पीछे पड़ जाओ, मेरे तो भाग ही फूट गए। जीजा मेरा दिमाग खराब क्यों कर रहा है भैया, ये बताए मुझे। मैं दिमाग तुम मेरा खराब हुआ पड़ा है, बीवी उठाओ कहीं का, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे आजा आजा बेटा आजा 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 आजा। एक मिनट जरा धक्का देना। हाँ आराम से आराम से। हाँ थैंक यू। क्या हुआ संजना, पेट खराब है क्या? पेट नहीं, मन खराब है। वो मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे पैर भारी हैं। अरे संजना बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे पैर में ना सूजन आ गई होगी, तो तू एक काम कर, है गर्म पानी से सगाई कर ले। नहीं नहीं पाजी आप गलत समझ रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, वो मैं ना पेट से हूँ, आई एम प्रेग्नेंट। यार पिंटू भाभी बच गई यार, बड़ा ही करम यार ऊपर वाले का। क्या हुआ, सबको सांप क्यों सूंघ गया? पिंटू भाभी बच गई, ये पिंटू तो बच गई लेकिन यहाँ कांड हो गया। क्या कांड हो गया?
संजना पेट से मतलब प्रेग्नेंट है। आप प्रेग्नेंट कैसे? मतलब किसने बोला ये प्रेग्नेंट है? आप बोलना क्या है, मतलब इसमें बताने वाली क्या बात है? मैंने ही बोला है ना सबको, मैं हूँ प्रेग्नेंट हूँ मैं। जीजी मेरे तो भाग फूट गए। अरे एक सेकंड यार, कोई कंफ्यूजन हुआ है, मुझे बात करने दो ना इनसे एक बारी क्या। हाँ चल 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 चल, करके आती हूँ बात। कम जल्दी। अरे आ रही, आराम से। छोटू नहीं, क्या ये क्या कह रहे थे बाहर? क्या कह रहे थे? यही कि आप प्रेग्नेंट हैं। हाँ कहा हमने? क्यों कहा? अरे एक सेकेंड, सांस तो लेने दीजिए यार। सांस गई तेल लेने पहले बताओ क्यों कहा। सुनो आप, आपका जो मामा है ना, वो साला हमारी तरफ ऐसे बढ़ रहा था जैसे कि कोई भूखा भेड़िया ना अपने शिकार की तरफ बढ़ता है। आपको पता नहीं यार, ऐसी हम बहुत ही ऐसी सिचुएशन में थे, आप समझ नहीं रही हैं। अच्छा तो जो मुंह में आएगा वो बोल दो के? मतलब सारे बहाने छोड़ के ये प्रेगनेंसी वाला बहाना मिला आपको? अरे यार एलआईसी, आप समझ नहीं रही है, अब मुसीबत में हमारा दिमाग आपकी तरह डबल स्पीड पे काम करने लगता है यार, और घबराहट में हमने जो समझ में आया हमने बोल दिया है, और देखा जाए तो सही तो है। अरे क्या सही है इसके अंदर? अरे यार एलआईसी जी, एक बार आप सोच के तो देखिए, कोई भी खुददार गैरतमंद आदमी क्या ये चाहेगा कि उसकी नई नवेली दुल्हन किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है? छुटंकी मामा, खुददार और गैरतमंद, सीरियसली क्यों बोल रहे हो? अरे यार एलआईसी नहीं होंगे वो, पर हमें चेहरे पढ़ना आता है यार, हमने देखा था ना उनका वो चेहरा लुक। एलआईसी जी आप टेंशन मत लीजिए यार, सब सही है। आई होप सो, वैसे बात में तो पॉइंट है आपकी। हाँ जी जी, कितने मन से मैंने अपना घोंसला सजाया था, कौवे ने आके अंडे रख दिए, क्या बताएं। छटंकी भैया तुम्हारे तो भाग्य फूट गए। बहुत बुरे वाले फूट गए हमारे भाग। समझ ना आ रहा ये हुआ कैसे? नहीं बच्ची तो बड़ी सीधी सादी भोली वाली लगती है वो। अरे आजा 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 भैया, मामा बनने की मुबारकबाद। तूने ना बताया कि तेरी बहन जो है प्रेग्नेंट है? ये कैसे हो सकता सेठ जी? जैसे होना चाहिए वैसे ही हो गया। अरे लेकिन जैसे हो सकता वैसे नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। अरे मतलब सेठ जी देखो, हम बता रहे हैं आपको। मम्मी यार सिर्फ आम का अचार ही भर रखा है आपने, बोलो जीजी को ना ये चाहिए था नींबू का अचार, वो मंगवा लेना ठीक है। इलायची क्या बकवास कर रही है तू? तुझे क्या लग रहा है, है? नाटक चल रहा है यहाँ पे, बता। इलायची बेटा, यहाँ तेरी मामा की जिंदगी के तोते उड़ा हुए हैं और तेरे अचार चटा रही है। देखा संजीव, अपनी बहन के लक्षण, मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद करके रख दी शादी से पहले। छी 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 छी, मेरे तो भाग ही फूट गए। संजू बोल। संजू क्या ये सब, मैं क्या सुन रहा हूँ, कैसे हुआ ये सब? वो मैं तेरे को बाद में बताती हूँ। अच्छा संजीव, तू पहले ना बता सकता था ये बात? कौन सी बात? इधर आ। कि तेरी बहन प्रेग्नेंट है। संजू संजू, तूने ये बिल्कुल ठीक ना किया, पता इस भोले आदमी के साथ बिल्कुल ठीक ना किया, बहुत गलत किया, इस मासूम इंसान के साथ बहुत गलत किया। पता अब इस भोले आदमी को कितना गुस्सा आ रहा होगा, मन कर रहा होगा कि वो आदमी मिल जाए तो उसका थप्पड़ मारे ऐसे करके, ऐसा मन कर रहा होगा आपका, हम जानते हैं मन कर रहा होगा, मतलब वो आदमी मिल जाए तो उसका ऐसे मारा उसको, भूसे मारे ऐसे ऐसे करके, ऐसा मन कर रहा हूँ, इतनी गुस्सा आ रही होगी आपको, हम जानते हैं कितनी गुस्सा आ रही होगी, मतलब ऐसा कि उस आदमी का। बैठ लीजिए, बैठ बैठ। हाँ
चोट तो ना लगी आपके? पापा यार देखो, जो होना तो सो तो हो गया ना। अरे पर छटंकी भैया का क्या होगा, इतनी मुश्किल से एक लड़की फंसी थी, मतलब मिली थी। हाँ तो जीजी कौन सी भागी जा रही है, एक काम कर ले, जीजी को उनके बच्चे के साथ स्वीकार कर ले। अरे क्यों कर ले, किसी और के बच्चे को अपना नाम क्यों दे, लोग क्या कहेंगे? प्लीज यार मम्मी, अब आजकल ना, आजकल के जमाने में ना लोग क्या कहेंगे ऐसा कोई भी नहीं सोचता है। अरे छटंकी मामा, पूरी जवानी निकल गई बिन शादी के, और फाइनली शादी हो गई है, इतनी छोटी सी बात करी, मतलब आप लोग शादी तोड़ना चाहते हो? नॉट छोटी बात। अरे कोई खांसी जुकाम ना हुआ है छोरी को, प्रेग्नेंट है छटंकी भैया, किसी और का पाप अपने सर पे क्यों मड़े? अरे पाप, मम्मी बच्चा बच्चा होता है और उसको पाप होने कुछ भी नहीं पता होता, प्लीज। तो छटंकी मामा की पाप के लिए थोड़ी ना छोटी है, इतनी लंबी है, और ये अबला नारी उन्हें एक और चांस दे सकती है, तो इस नाते इनका नहीं बनता है कि ये इनको एक चांस दे? लेकिन नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है ना छटंकी मामा। अरे भाई देखो ऐसा है, ये घर में जो है ऐसे चौपाल लगाने तो कोई फायदा ना, ये हुआ कैसे इस बात का पता करना है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले ये पता करो कि इस बच्चे का बाप कौन है भाई। ओ, 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 मुझे ना प्लीज मेरे हाल पे छोड़ दीजिए प्लीज। कर दिया ना इमोशनल आप लोगों ने जीजी को, नींबू वाला चार मंगाना उनके लिए। छटंकी जी आप कुछ मत बोलिए, संजय जी कुछ मत बोलिए, संजय जी छटंकी ने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े हाथ मारे हैं, लेकिन आपने तो पूरा वर्ल्ड बैंक के लूट लिया। हाँ वो मैं सॉरी, मैं समझ सकती हूँ कि मैंने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, और अगर आप मुझे माफ नहीं भी करेंगे ना तो मैं समझ सकती हूँ, इट्स ओके नो प्रॉब्लम। पर तो बिल्कुल भी नहीं है तुम्हें माफ करने का, माफ करना। हाँ मैं समझ सकती हूँ, और आपको करना भी नहीं चाहिए, भले ही आप कितने बड़े छिछोड़े दो टके के आदमी एक नंबर। बिल्कुल मत बोलिए ना, बिल्कुल भी मत बोलना। सजना जी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरी लगातार बेइज्जती कर रही हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आपकी बेइज्जती करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं तो आपको ये बताना चाह रही हूँ ना छट्टू, आप जो है ना बहुत अच्छे इंसान हैं, और मैं इतनी अच्छी औरत नहीं हूँ, और मैं ना इस गम को सह नहीं सकती हूँ। सहने से याद आया संजना जी कि छटंकी ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, लेकिन ये जो वाला आपका सच है वो नासूर बन के मेरे सीने पे चुभा है संजना जी, बता रहा हूँ मैं आपको। मैं क्या कर सकती हूँ अब छटंकी जी? मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐसे क्यों किया मेरे साथ में? वो क्या है ना, मेरी कच्ची उम्र है ना, मेरा पैर फिसल गया। अरे कौन है वो जो मेरी नाक के नीचे से तुम कोड़ा कर ले गया? वो क्या है ना कि हमारी फैमिली में ना उनका नाम नहीं ले सकते हैं छटंकी जी। कमाल कर रही हो संजना जी, है कमाल कर रही हो, हमारा नाम तो तुम बराबर लिए चले जा रही हो। हाँ वो क्या है ना कि आप शक्ल से बोंद दिखते हैं ना, वो जो है ना बहुत हैंडसम है। अच्छा, अरे बाप रे बाप, बहुत हैंडसम है। अरे उस हैंडसम की ना मैं टांगे तोड़ दूंगा, बता रहा हूँ तो तभी तो मैं आपको नहीं बता रही हूँ। छटंकी जी प्लीज, अभी आप मुझे प्लीज अकेला छोड़ दीजिए, मेरा बहुत ज्यादा मुसीबत में, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन है, और प्लीज हमारे बीच में यू मी पीस, ठीक है? पीस ठीक है संजना जी, ठीक है जैसा आप बोले। संजना जी मैं एक बात कहना चाह रही हूँ तुमसे, कि आपने बहुत नाजुक दिल तोड़ा है, अच्छा नहीं किया तुमने, अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ में संजना जी, बताओ। देख करो
ना बोलूंगा। मैंने इसे रात दिन गालियां दी, इतना कोसा, लेकिन मुझे ये ना पता था कि इसके साथ इतना बुरा होगा। मनुष्यत की भी हद होती है। लाइची के पापा दिन रात मजाक उड़ाते रहे मेरे भाई का, मेरे तो भाग ही फूट गए। जी जी, जब मेरे अपने प्यार ने दगा दे दिया तो जीजा से तो वैसे भी कोई उम्मीद ना है। इलायची के पापा, क्या हाल हो गया छटंग के भैया का? अरे कितनी बार जेल गए, बड़ी बड़ी सजा भुगते, लेकिन चेहरे का तेज ज्यों का त्यों, और अब देखो कैसे बगुले जैसा चेहरा हो गया। क्यों ना होगा बगले जैसा चेहरा, गेहूं इसका, आटा इसका, पूरी कोई और तलका खा गया। मेरी तो यही समझ में ना आ रहा है कि बच्चा है किसका, किसके पाप की निशानी है ये। इलायची के पापा, मुझे तो लगता है जरूर दरोगा साहब का होगा। होगा क्यों नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है कि जीजा जी का आइडिया बिल्कुल फेल नहीं होगा। हाँ भाई मेरे, अबे क्या तोड़ निकाला यार तूने? सच बता रहा हूँ, मतलब मुझे भरोसा ना था, मुझे तो लगता था कि मरा हुआ घोड़ा चल सकता है लेकिन इसका दिमाग ना चलेगा, पर चला, दिमाग तेरा चला, शाबाश। साले। जीजा जी, really I'm so impressed, मतलब क्या झूठ पे झूठ बोले जाते, दिल चला था आपकी नजर ही होता है लो। कॉन्फिडेंस देखा था बंदे का। ये लो जीजा जी की कॉन्फिडेंटली झूठ बोलने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। ना ना दरोगा ना, मान ले अगर कभी दरोगा जो है संजना से अकेले में मिला भी हो तो उसने सिर्फ आलू प्याज कटवाए होंगे और इससे ज्यादा कुछ ना किया होगा। मुझे तो ये कारिस्तानी किसी और की लग रही है, लेकिन कौन हो सकता है वो? बुरा मत मानना इलायची के पापा, फिर शायद ना खसोटे का हो। होना क्या, बस सेठ जी धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। जीजा जी, ऐसा कुछ ज्यादा ही झटके नहीं देने लगे हो? इलायची जी, आप इसे सीख सीख के तो ये भोला भाला आदमी आज बदमाश बन गया है। ओफो। वाह भाई वाह, क्या बात है यार, मान गया तुझे भाई। सच में मुझे तो मतलब यकीन नहीं हो रहा यार, मेरी मारी खुशी के आंखों से आंसू निकल रहे हैं। यकीन ना हो रहा मुझे कि मैं दिल्ली के सबसे बड़े बदमाश लड़के का दोस्त हूँ। बकवास मत किया कर। क्या बकवास कर रही है तू? खसोटे ने तो संजना को अपनी मुंह मेली बहन बनाया है। मुंह बोली बहन पे कैसे बुरी नजर डाल सकता है वो? फिर तो इलायची के पापा एक ही आदमी बचता है, जरूर वो भिखारी होगा। भिखारी? हाँ, एक दो बार मैं संजना को मंदिर लेके गई, उसी मंदिर के बाहर वो भिखारी बैठता है और संजना को देखते ही जोर जोर से कटोरा बजाने लगता है। कैसी बातें कर रही है तू भी, सिर्फ कटोरा ही तो बजा रहा था वो। जीजा जी, लेकिन आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इतना बड़ा मामला मतलब एकदम अकेले हैंडल कर लिया आपने, बस देखना थोड़ी देर में बुलावा आएगा आपको घर से बाहर निकालने का। जो भी हो, ज्यादा दिन छुपा ना रहेगा वो। उससे क्या फर्क पड़ता है इलायची के पापा, मेरे भाई की तो गृहस्थी उजाड़ देना, अब क्या होगा मेरे भाई का, मेरे तो भाग ही फूट गए। चलिए देखिए भाई, अब ये मुँह माफी मांगने लायक तो रहना है, तो बस आपका आशीर्वाद लेके निकल लेंगे। आशीर्वाद दे दो। आंटी जी, मैं ना ये मैंगो पिकल लेके जा रही हूँ, वो आजकल खट्टा खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है ना मेरा। ओके आंटी, बाय बाय। चलिए लाइची, बाय बाय। कोई कहीं नहीं जाएगा। संजना जी, आप इसी घर का अचार खाएंगी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, साफ सी बात है, सुन लीजिए बस। पर इस बच्चे का क्या होगा छट्टू? अरे मतलब क्या, बच्चा इसी घर में पले बढ़ेगा? हमने
संजना के बच्चे को अपना लिया है, बस क्लियर सी बात है, बस समझ लो, बस सीधी सी बात है। ये क्या बोल रहा मामा? इलायची, तूने तो अपने मामा की आंखों की धूल साफ कर दी, तब कहीं जाकर के मुझे संजना जी का साफ साफ प्यार दिखाई दिया है, मैं क्या बोलूं? अरे कौन सा प्यार, ये किसी और के प्यार का रिजल्ट लेके घूम रही है। ना, 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 ना बेटा, अगर तू ना होती ना तो ये जो हीरा है मेरे हाथ से निकल जाता। बच्चा संजना जी, मैं तुम्हें कहीं ना हिलने दूंगा, तो मेरे साथ यही पे रहोगी इसी घर में, बस साफ सी बात है।